देखो यार, बहुत टाइम हो गया हमें गाड़ियों के बारे में डिस्कस करते हुए, गाड़ियों के बारे में बताते हुए, आपकी गाड़ी है, हमारी गाड़ी है, सबके बारे में बताया। लेकिन मैंने सोचा कुछ हटके भी करा जाए, है ना। आज हम कुछ रिएक्शन देने वाले हैं, यूं भी कह सकते हैं, पर यूं भी कह सकते हैं कि भैया रील्स कुछ ज़्यादा ही दिमाग में चढ़ गई, जो कि गिनी चुनी दो चार रीलें हैं, उसको देख के मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था। तो सोचा चलो यार, गुस्सा फ्रस्ट्रेशन जो भी है, ये यूँ कहूँ कि भैया आपको थोड़ा मतलब एंटरटेनमेंट करने के लिए कुछ नया लाए हैं। तो चलो यार शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात, जल्दी जल्दी से वो कर दो जो कि मेरे को चाहिए। हाँ, सब्सक्राइब, और क्या करना है। हाँ, पहले वीडियो देखोगे, उसके बाद में इसके बारे में डिस्कस करते हैं। O'zbekiston büyük davlat, O'zbekistonni alishmasman boshqa jahonga, O'zbekiston tengdir O'zbekiston। बस भाई यही कारण तो है जिसकी वजह से मेरे को और बाकी सारी दुनिया को लगता है कि कलयुग जो है पीक पे है। भाई जेसीपी की खुदाई देखी है मैंने, ठीक है, बहुत कुछ नया देखा है जेसीपी के साथ, लेकिन ये भाई करना ज़रूरी नहीं था, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं था। मतलब कि पूरा का पूरा जेसीबी का एक जैक भाई गाड़ी के डिक्की में रखने की क्या ज़रूरत, सिर्फ एक रील के चक्कर में, मतलब एक वीडियो के चक्कर में पूरी की पूरी गाड़ी की डिक्की तोड़ दी। भाई ये मेरे को सबसे गंदा फील होता है जब बंदे ऐसे करते हैं। ये मतलब सिर्फ और सिर्फ वीडियोज़ के लिए, फेम के लिए ऐसा करते हैं, अपनी गाड़ियों को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, हर प्रकार के एक्सपेरिमेंट करते हैं। भाई मेरे को तो बड़ा गंदा फील होता है, क्योंकि ये वही जान सकता है जिसके पास गाड़ी होती है या जिसको लेनी होती है और वो ले नहीं पाता, ये फीलिंग वही समझ सकता है। जिसके पास बेशुमार पैसा, वो भैया ये तोड़ फोड़ करता ही रहता है। तो छोड़ो यार, हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस यही कहेंगे कि भैया रहन दो यार, मत किया करो ऐसा, अच्छा नहीं लगता। अगली वीडियो तो भैया आपकी सबकी हमारी फेवरेट अल्टो, पहाड़ों की रानी कही जाने वाली अल्टो के बारे में ही है। चलो पहले वीडियो देखते हैं, भाई क्या वीडियो में हो रहा है उसके बारे में, इसके बारे में जानते हैं। बेसिकली भाई इस चीज को मैं बिल्कुल ही प्रमोट नहीं करूंगा जो कि ये बंदे स्टंट कर रहे हैं। कहने का मतलब है, वीडियो में साफ साफ देख सकते हो, सिर्फ एक ही चीज है, बंदे को चेस करनी है थार, भाई थार से आगे निकलने की कोशिश। अब ये रील के चक्कर में ही सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भाई इनकी कोई शर्त वगैरह लगी हुई है, ये ऐसा नहीं, सिर्फ मजे के चक्कर में और रील्स के चक्कर में। भाई बंदे को, आगे वाले बंदे को देखो कैसे टेंशन में, आगे दोनों हाथ उसने रखे हुए हैं, भाई आगे गाड़ी के आगे रखे हुए हैं, कह रहा है भाई एक बार बंदा गाड़ी रोक दे, भाई माँ कसम इसके साथ बिल्कुल भी नहीं बैठूंगा, पूरी जिंदगी भर नहीं बैठूंगा, मर जाऊंगा, पैदल चले जाऊंगा, लेकिन बैठूंगा नहीं। गाड़ी के अंदर बंदा बैठा हुआ है, लेकिन भाई फीलिंग मैं ले गया भाई अंदर बैठने की, जिस तरीके से गाड़ी चला रहा है ना भाई, थोड़ी सी भी गलती और भाई बंदों के साथ कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। और दूसरी बात, अल्टो है तो भाई कितना ही बचा लेगी इन सबको जो भी अंदर गाड़ी में बैठे हैं। तो यार ये सब चीज़ें मत किया करो, अच्छा नहीं लगता, और ना ही भाई ये जो है रूल्स सारे मत तोड़ा करो, ऊपर से आप वीडियो बना के और प्रमोट करते हो ये सब चीज़ें, तो मत किया करो बस। और भाई कोई भाई उस बंदे को उतार दो जो आगे बैठा हुआ है ना फ्रंट सीट में, साइड में उसको कोई उतार दो यार, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है यार। भाई सही मैं कह रहा हूँ यार, दुनिया में ना कुछ भी बना सकते हैं जब भाई जितना बंदों का दिमाग होगा ना भाई, उस दिमाग को लगा हिसाब करवा के ना कुछ भी बना लो यार तुम। वैसे ही ये बंदा जो है भारत का नहीं है, फॉरनर है, लेकिन फिर भी ये ऐसी बाइकें आजकल आम है भाई, बहुत से बंदे बना भी रहे हैं, कुछ नया हटके कर रहे हैं। लेकिन ये मेरे को हटके इसलिए लगा भाई, जितना बंदा भाई इसको एफर्ट लगा रहा है ना स्टेयरिंग या इसका हैंडल जो है घुमाने के लिए, भले ही सारे हैंडल और आगे जितना भी घूमने वाला सिस्टम है सारे जगह जो है हाइड्रोलिक्स फिट करे हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको भाई जब तक ये हैंडल घुमाएगा ना तब तक ये ठुक भी जाएगा। तो इस वीडियो में इतना कुछ खास नहीं था, लेकिन भाई मेरे को पता नहीं क्या मन हुआ कि आपको चलो दिखाई देते हैं क्या क्या आजकल दुनिया में चल रहा है। नहीं, और भाई बोनस वाली वीडियो तो ये रही सबसे आखिर में, और पहले वीडियो दिखाने से पहले एक चीज भाई, ये मेरे को जहां तक मैं जानता हूँ ये सब एक मजाक है और वीडियो बनाने के लिए हुआ, इसको बिल्कुल भी सीरियसली मत लेना, और अपने दोस्तों को कहीं भाई गलती से भी मत ये चीज कह देना, वो मार देंगे आपको। पहले वीडियो देखो फिर बताता हूँ क्यों। आज मैं अपने बचपन के दोस्त को एक ब्रांड न्यू कार के साथ सरप्राइज करने वाला हूँ। ब्लाइंडफोल्ड जाओ, ब्लाइंडफोल्ड जाओ, भाई पीछे 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 मुड़ो। ये है मेरा दोस्त अमर और मैं इसे 15 सालों से जानता हूँ और बचपन से इसे गाड़ियों का बहुत ज्यादा शौक है, तो मैंने सोचा इसे एक नई मर्सिडीज से सरप्राइज करने का। लाइफ में कभी सोचा भी नहीं होगा समर के उसके लिए क्या होने वाला है। पहली बात तो ये भाई, तुम किसी दोस्त को 200 रुपए दे दोगे ना, वो भैया उसको भी लुटाते लुटाते आई थिंक साल हो जाएगा, लेकिन वो लुटा नहीं पाएगा। तो ये चीज़ एक्सपेक्ट मत करना कि भाई आपका दोस्त जो है आपको गाड़ी गिफ्ट करेगा, बिल्कुल भी नहीं भैया। पता नहीं यार किसके दोस्त ऐसे होते हैं किसके नहीं, मेरे तो भाई पूरी ज़िंदगी में मैंने ना तो अपने देखे हैं ना किसी और के आसपास में मैंने अपनी आंखों से जो है देखे हैं। तो ये सब एक बस मतलब व्यूज़ का पाने का चक्कर है और वीडियो बनाने का है, तो इसको सीरियसली मत लेना, ठीक है।
वरना आपका दोस्त आपके साथ क्या करेगा मेरे को भी नहीं पता। चलो यही था जो भी था आज के वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही, बाय बाय।